पूर्व पुलिस अधिकारी पवन जैन भाजपा का करेंगे जमकर प्रचार, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा के समर्थन में आज पूर्व पुलिस अधिकारी पवन जैन ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह भाजपा के सिपाही हैं और हमेशा रहेंगे तथा राजाखेड़ा एवं अन्य स्थानों पर जहाँ उनकी जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी का जमकर प्रचार करेंगे। बीबीएन ब्यूरो के लिए प्रेम सिंह की रिपोर्ट। विधानसभाओं के लिए कहा गया था तो मैं कल वहाँ पे सुमालगी में हमारे मित्र अदर सिंह कर रहे हैं, दिल्ली में माननीय नरेंद्र सिंह जी हैं और मुरैना में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मैं तीनों के प्रचार में कल प्रदर्शन था। और पार्टी का मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे बड़े भाई यहाँ 8 साल बीजेपी के महामंत्री जिलाध्यक्ष रहे, मैंने हमेशा एक ही बात कही थी कि बीजेपी अगर प्रत्याशी बनाएगी तो लड़ूंगा और नहीं बनाएगी तो जिसको बनाएगी उसको मैं जिताऊंगा। 12 अगस्त को जो दुपट्टा पहना था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, वो आज मैंने पंकज जी को समर्पित कर दिया है। इनकी लड़ाई में हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। मैंने आपसे 6 अप्रैल को हनुमान जयंती को वादा किया था कि इस क्षेत्र के रावणों का दमन करने के लिए, दहन करने के लिए मैं आजीवन आपके साथ हूं। आपके वोट की ताकत 25 नवंबर को तय करेगी कि राजाखेड़ा में अब ठेकेदारों की धसक, चमचों की चमक और दलालों की धमक नहीं होगी। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ कि 100% राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजाखेड़ा में और राजस्थान में चमक खिलेगा। पिछले 17 साल में नहीं है यहाँ दिए सत्तम सरकार गांधी है पवन नहीं है यहाँ दिए 70 साल में सबसे बेहतरतम सरकार राजस्थान में थी, कानून व्यवस्था चौपट थी और राजाखेड़ा में पूरे देश का निकृष्टतम विधायक था जो बुजुर्गों की तोहीन करता है, माताओं को अपमानित करता है और आपके नौजवानों के स्वाभिमान को कुचलता है। सत्तर वाले रावण का दहन आपका शुरू हो जाए और एक एक दिन में एक एक कर इस रावण का करना चाहिए। आप लोग संकल्प लेके जाइए, आज 15 तारीख है, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, हर दिन आपको रावण का एक सर काटना है। मैं राजाखेड़ा में आपके साथ था, आपके साथ हूँ और आपके साथ रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का एक दिवसीय धौलपुर दौरा, प्रेस वार्ता को किया संबोधित। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर चारों विधानसभाओं के विस्तारकों, संयोजकों, प्रवासियों, प्रभारियों एवं जिला चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर की अध्यक्षता में किया गया एवं मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह रहे एवं विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री चुनाव प्रभारी धन सिंह रावत, जिला प्रभारी पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली रहे। सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों ने माँ भारती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन ने जो दायित्व दिया है उसे बखूबी निभावे, बूथ जीता चुनाव जीता के सिद्धांत पर प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करना है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार से आम जन त्रस्त है, धौलपुर में चारों विधानसभाओं को अच्छे मतों से जीतेंगे। बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि लाल डायरी पार्ट 2 आ गया है जिसमें सरकार के सारे कारनामे छिपे हुए हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने इस लाल डायरी का सच जनता के सामने बताया, वो सब आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कल दिनांक 16 नवंबर 2023 को
जारी होने जा रहा है। कार्यक्रम में विशम्बर दयाल शर्मा विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रदेश भाजपा श्रवण कुमार, राजवीर राजावत, संभाग प्रभारी विस्तारक योजना, पूर्व विधायक रविन्द्र बोहरा, पूर्व जिला प्रमुख धर्मपाल सिंह जादौन, संभाग सह प्रभारी मीडिया मुकेश सक्सेना सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी मिले, लेकिन पूरे देश भर में तेज गति से काम हो रहा है और आम व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी मिलना शुरू हो गया है। लेकिन राजस्थान में जो गहलोत जी हैं, गहलोत सरकार है, उन्होंने किसी भी प्रकार का मैचिंग पैसा नहीं लगाया। जब सरकार भी अपना मैचिंग पैसा प्रदेश सरकार लगाती है तो परियोजना तेजी से उस पर काम होता है। तो लोगों को शुद्ध पीने का पानी गहलोत जी और गहलोत के सरकार के मंत्री ये देना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए उस पर भी इन्होंने तेजी से काम नहीं किया और जो काम भी हुआ उसमें भी घोटाला हुआ। तो जब आप किसानों के लिए कुछ किए नहीं, युवाओं के लिए कुछ किए नहीं, उनके साथ धोखा देने का काम किया, युवाओं को धोखा, किसानों को धोखा, महिला सुरक्षा के नाम पे धोखा, और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि राजस्थान में जंगल राज है, गुंडे अपराधी सड़कों पे घूम रहे हैं। गहलोत जी खुद गृह मंत्री होते हुए भी, यह सीधे सीधे गृह मंत्री का काम है कि कानून व्यवस्था को ठीक करना, वह मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी है। हमने कई बार बोला था कि गहलोत जी आपसे नई चीजें संभल रही है तो आपने गृह मंत्रालय से इस्तीफा क्यों नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और तो और विधानसभा में एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में, पूरे विधानसभा के 5 साल सत्र निकल गया, एक बार भी विधानसभा में स्वयं गहलोत जी कानून व्यवस्था को लेकर के एक शब्द नहीं बोले। पूरे सब विधायकों ने, कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने खुलेआम लूट मचाई है और इनके ही कहने पे सारे अधिकारी की पोस्टिंग हुई है। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय दिलाएंगे और हर विधानसभा, धौलपुर की हर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आपका कोई प्रश्न हो? जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर, जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव की व्यवस्थाओं सहित पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। विधानसभागार स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर CEO जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, जिले के सभी विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस एवं प्रशासन का लगातार फ्लैग मार्च जारी है। धौलपुर की प्रमुख खबर, आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भयमुक्त करने के उद्देश्य को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों व जवानों ने थाना सोने का गुर्जा व राजाखेड़ा इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च किया। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी द्वारा प्रतिदिन जिले के अलग अलग स्थानों, संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। आज सोने का गुर्जा थाना इलाके एवं राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में अनेक गांवों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा आमजन को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए समझाइश की गई। बोला वो देख लेना।
भाई दूज के अवसर पर हुआ चित्रगुप्त पूजन, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज भाई दूज के अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा द्वारा कायस्थ समाज के लोगों द्वारा लौंगपुर पहाड़ धौलपुर पर चित्रगुप्त मंदिर पर पूजन किया। प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने बताया कि यह पूजन वर्ष में दो बार होली के बाद आने वाली दौज एवं दीपावली के बाद आने वाली दौज के अवसर पर किया जाता है। इस अवसर पर पंडित जी द्वारा चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया गया एवं कायस्थ बंधुओं द्वारा महाआरती की गई, कलम दवात का पूजन कर प्रसादी वितरण हुआ। इस अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाकांत सक्सेना, जिला सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट दिलीप सक्सेना, डॉक्टर सौरभ कांत, प्रवीण सक्सेना, दिवाकांत सक्सेना, राम प्रकाश सक्सेना, समीर कांत, जयकांत, ईशु सक्सेना, शहीद कई समाज बंधु उपस्थित रहे। संपूर्ण जिले में धूमधाम से हुआ गोवर्धन पूजा महोत्सव, धौलपुर बसेड़ी की प्रमुख खबर। जिले के साथ साथ कस्बे में दीपावली के पावन पर्व के बाद गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट महोत्सव कार्यक्रम के आयोजनों की शुरुआत हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबू महाराज मंदिर, भवनपुरा, मुरली मनोहर मंदिर सहित घड़ी तिमासिया में कई मंदिरों पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। मंदिर महंत अखिलेश कौशिक ने बताया कि सैकड़ों साल पुराना मनोहर मंदिर, जिसमें परंपरागत तौर से गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट प्रसादी के आयोजन होता है, बाड़ी कस्बा में घर घर में श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्री गोवर्धन जी की प्रतीक मूर्ति बनाकर इसका विधि विधान से पूजन कर परिक्रमा लगाई गई, साथ ही महाआरती का आयोजन हुआ। बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा का ग्रामीण क्षेत्रों में जोरदार स्वागत, धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा का धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में सर्व समाज द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान ग्राम भीका का पुरा और जोधा का पुरा में ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर कुशवाहा ने अपने स्वागत सत्कार के लिए ग्रामीण मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए आगामी 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में जोरदार मतदान करने की अपील की। धौलपुर से उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम को स्थापित कर करेंगे क्षेत्र को विकसित, नीरजा अशोक शर्मा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा
और उनके पुत्र भाजपा युवा नेता दुष्यंत शर्मा और उनकी पुत्री युवा नेत्री मालविका मुद्गल शर्मा के भाई पंकज शर्मा और भतीजे समत शर्मा सुमित शर्मा भी लगातार राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क कर भाजपा को समर्थन की अपील कर रहे हैं। राजाखेड़ा भाजपा प्रत्याशी नीजा अशोक शर्मा ने कहा कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्वच्छ भाजपा सरकार का निर्माण कर भ्रष्टाचारी अत्याचारी बेलगाम अपराध को कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। भाजपा युवा नेत्री मालविका मुद्गल ने कहा, राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है। अब की बार भाजपा विजयी होने पर राजाखेड़ा में बेहतर विकास कार्य कर राजाखेड़ा की जनता के सपनों को साकार करने का कार्य भाजपा सरकार करेगी। युवा नेता दुष्यंत शर्मा ने बताया कि आज मेरी माँ नीजा शर्मा और बहन मालविका मुद्गल, भाई समर शर्मा, चाचा पंकज शर्मा और मैंने मिलकर के विधानसभा क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक गांवों में घर घर जनसंपर्क कर भाजपा की रीति नीतियों और केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार किया और भाजपा को जन समर्थन की अपील की। प्रचार जनसंपर्क के दौरान राजाखेड़ा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, अनुराग मुद्गल सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। खेतों में मिला युवक का शव, हत्या का आरोप, परिजनों ने किया जाम एवं हंगामा। हाथरस की प्रमुख खबर, नगला बिहारी के खेतों में पड़ा मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के गांव नगला बिहारी का रहने वाला युवक सतीश पुत्र तेज सिंह दीपावली की शाम घर से किसी कार्य से निकला था, लेकिन वह रात को घर नहीं पहुंचा। परिजन पूरी रात युवक की तलाश करते रहे, लेकिन युवक का कुछ भी पता नहीं चला। सुबह जब ग्रामीण खेत में तरफ गई तो खेतों में युवक का रक्त रंजित सब पड़ा मिला। शव पड़े होने की सूचना जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पास में ही एक इको गाड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी हुई थी। युवक की हत्या की जानकारी मिलते ही परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया और रोड को जाम कर दिया। युवक का शव मिलने की सूचना पर सिकंदरा पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस कुमार अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुँच गए, जिनके द्वारा परिजनों व ग्रामीणों को समझा बुझाकर रोड को खाली करवाया तथा युवक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीवीएन ब्यूरो के लिए हाथरस से ब्यूरो चीफ दुष्यंत पचौरी की रिपोर्ट। अभी चाहिए मुन्ना, किसने मारा? बात अभी होने वाली है। मोबाइल के लिए मोबाइल तुम्हारे आदमी